हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेंस। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही देसी स्टाइल में आलू का भरता बनाना बताने वाली हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं और जो बन भी बहुत झटपट जाता है। जनरली हम लोग बैंगन का भरता बनाते हैं, आलू के भरते की मैंने शायद एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आज मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से आलू का भरता बनाना बताऊँगी, जो कि थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स बढ़ा करके और बहुत ही देसी स्टाइल का यमी भरता है ये। तो मैंने लिए हैं पोटैटोस 3, चॉप्ड फाइनली अनियन, टोमेटो 2 तरह से लिए हैं, जितना अनियन लिया है उसका डबल मैंने टोमेटो लिया है, जिसमें एक टोमेटो को मैंने फाइनली चॉप किया और एक टोमेटो को मैंने रफली चॉप किया है, यानी कि 2 टोमेटो लिए हैं। और ग्रीन चिली ली हुई है, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ली हुई हैं, हींग डालेंगे हम, देन जीरा, अजवाइन, हींग, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, गरम मसाला। ठीक है, तो बस इतने ही सिंपल और जो परमानेंट अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हीं से ही हमारा आलू का भरता बनके बढ़िया तैयार होगा। और कुकिंग ऑयल लेंगे हम इस भरते को कढ़ाई में बनाने के लिए, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, भरते की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, कुकिंग ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून। तो कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल मैं बेसिकली ले रही हूँ। अब मैं इसमें जीरा, अजवाइन और हींग को एक साथ डालने वाली हूँ। ऑयल गर्म हो जाए जब तक, तब तक आप चाहें तो अपने पोटैटोज़ को मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हाफ टीस्पून हींग ली हुई है। जीरा लेंगे हम 1 टीस्पून और अजवाइन लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो ये देखिए, हमारे हींग, जीरा और अजवाइन अच्छे से स्प्लटर हो चुके हैं। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। कर लेंगे, आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे गार्लिक अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, इसलिए मैं फिलहाल नहीं ऐड कर रही हूँ। बाकी गार्लिक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है, आप इसमें ज़रूर ऐड करें, भरते में बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, बट मैं नहीं डालूंगी। 3-4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक आप अपनी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ अब इसमें अपनी ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अच्छे से सॉटे कर लेंगे इसको। अब हम इसमें फाइनली चॉप टोमेटोज ऐड करेंगे। और अपनी चॉप टोमेटो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से चला लेंगे। चला के हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। इसे 2 मिनट के ढक के पकने देते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 2 मिनट बाद। ये देखिए, हल्के से मसी होने स्टार्ट हो गए हैं, बट इससे पहले हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 3-4 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट,
या अगर आप सेम इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं तो आपको हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करना है, टर्मरिक 1/4 टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टी स्पून, बस इसे चला लेंगे, सारे स्पाइसेस सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट ढक के पकने देंगे। आइए फ्रेंड्स इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये देखिए अभी हमें इसे ढक के थोड़ा और पकाना है, और चाहे तो आप इसी मोड में आलू को ऐड कर देंगे। मैं यहीं पर जब थोड़े से अनकुक्ड रह जाते हैं टमाटो, मैं यहीं पर भी सजेस्ट करूँगी कि आप आलू को डालेंगे तो भी अच्छा टेस्ट आएगा, और पूरा कुक होने के बाद अगर आप डालेंगे तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। मैं फिलहाल थोड़ा और वेट करना चाहूँगी। आइए फ्रेंड्स इसे हम खोलते हैं। इस तरह से जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो चुका है, और इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोस जिनको मैंने मैश कर लिया है, साथ ही साथ कोरिएंडर लीव्स, अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बहुत बड़ा बड़ा भी मैश कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी मैश कर सकते हैं, बहुत महीन भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम अपना ये आलू का भरता बना के दिखा रही हूँ। साथ ही साथ अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। चला लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि ऐड करने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं सिंपली इसे चावल दाल के साथ खाऊंगी। वैसे ये सैंडविच की स्टफिंग के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर ये बच जाए तो आप इसे पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। फिलहाल मैं इसे चावल दाल के साथ खाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैगन का चोखा बिल्कुल बन के रेडी है। हमें चोखे में इस तरह से ही मतलब थोड़े से 3/4 कुक्ड बैगन और सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो थोड़ा सा रॉ टेक्सचर भी आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो चलिए मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा भाप निकलता हुआ गर्मा गर्म आलू का चोखा बनके रेडी है। ये इतना ही नहीं है, कढ़ाई में और भी है, मैंने प्लेटिंग के लिए सिर्फ इतना ही दिखाया है। तो मैंने जितनी क्वांटिटी बताई वो अच्छे खासे 3 से 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। तो ये देखिए हमारा आलू का चोखा बनके बिल्कुल तैयार है। मैं इसे चावल दाल के साथ इन्जॉय करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।